हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार बोर्ड का इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ गूगल में सर्च करना होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसको आपको सर्च कर देना है। आप इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल बटन से नीचे डाउन करना है। अब आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रिजल्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस रिजल्ट को ही आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा। अगर आप 2018 का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो वो 25 या 20 अप्रैल को इस पे अपलोड करेगा, लेकिन उसमें भी आप इस तरह आसानी से नहीं खोल पाएंगे क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो एक वेबसाइट मैं बताऊंगा कि उसके जरिए आप बहुत आसानी से रिजल्ट चेक कर देंगे, वो मैं अगले वीडियो में वो वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको 2017 का रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। 2016, 2017, 2015, 2014 का भी चेक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है। यहाँ आपको खोजना पड़ेगा, लेकिन 2018 का रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको ऊपर ही दे देगा। तो यहाँ पे मैं 2017 का रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। तो 2017 का एक मैट्रिक का और एक इंटर का रिजल्ट चेक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे दिख रहे हैं क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम रिजल्ट 2017। ये जो है ऊपर वाला एक कंपार्टमेंटल का एग्जाम है, यानी जो लड़के फेल हो चुके हैं वो फिर से एग्जाम दिए, उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं एनुअल एग्जाम चेक करके देखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उस व्यक्ति का रोल कोड और रोल नंबर डालना होगा। तो चलिए एक रोल कोड यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर आप नाम के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, फादर नेम अगर पता हो और लड़के का नाम पता हो तो उससे भी खोजा जा सकता है। चलिए मुझे एक रोल कोड पता है, उसके जरिए मैं खोज देखूंगा, रोल नंबर डाल देते हैं 17000390। अब इसको यहाँ पे फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे इसको फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे तो उसका रिजल्ट जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट खुल चुका है। ये लड़का जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है 300 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फादर, उसका नाम है अफजल, उसका फादर नेम है शमशेर। अगर आपको ये रोल कोड और रोल नंबर नहीं पता है तो आप सिर्फ नाम के जरिए ही सर्च कर देंगे। चलिए मैं एक दिखा देता हूँ कि नाम के जरिए कैसे सर्च कर देंगे अगर फादर नेम और मदर नेम पता हो तो। चलिए बैक होते हैं और आपको यहाँ पे जिस व्यक्ति को खोजना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम डाल दीजिए। चलिए उसका मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अफजल। अफजल डालने के बाद फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब फाइंड रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिए, अफजल नाम से जितने सारे व्यक्ति हैं वो यहाँ पे खुलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अफजल नाम से बहुत सारे हैं। यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंटर का रिजल्ट चेक करेंगे ना तो अगर अफजल उस व्यक्ति का नाम है और फादर नेम पता है उससे भी खोल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक में जो है ऑप्शन इतना नहीं देता है, यहाँ पे रोल कोड रोल नंबर डालना ही पड़ेगा। तो चलिए उस व्यक्ति का 25012 यहाँ पर उसका पहला ही पेज पे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं खुल गया उसका। और अगर आप इंटर का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इंटर का भी इसी तरह चेक होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर का रिजल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। इंटर का रिजल्ट में ऑप्शन देता है फादर नेम और मदर नेम से भी खोल सकते हैं अगर रोल कोड रोल नंबर नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पे इंटर का रिजल्ट चेक करते हैं। इंटर का रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2017 का नीचे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन साइन स्क्रीन 2017 दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है।
इसमें ही इंटर का रिजल्ट चेक होगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए रोल कोड और रोल नंबर डाल देते हैं। एक मेरा दोस्त है सोनू कुमार, उसी का मैं नाम यहाँ पे डालूंगा, उसका रोल कोड रोल नंबर डालूंगा। चलिए उसका रोल कोड रोल नंबर डाल देते हैं। तो रोल कोड है 11 0 33। अब यहाँ पे रोल नंबर है 17 0 1 0 2 2 8। अब तो फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कीजिएगा उसका यहाँ पर खुल जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोनू कुमार, फादर नेम है महेश प्रसाद, ये जो 301 नंबर से पास हुआ लगता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बिना रोल कोड और बिना रोल नंबर के सिर्फ नाम के जरिए ही रिजल्ट कैसे देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, या आपका हो या किसी भी व्यक्ति का। तो चलिए इसी का मैं आपको दिखाऊंगा। सोनू कुमार है, इसका फादर नेम है महेश प्रसाद और रोल कोड इतना है, रोल नंबर इतना है। रोल कोड और रोल नंबर नहीं डालेंगे, खाली नाम ही डालकर मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। चलिए इसी का नाम है, नाम डालता हूँ, बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे सोनू कुमार डाल देते हैं नाम, सोनू कुमार। सोनू कुमार डालने के बाद फाइंड रिजल्ट पर क्लिक कर देते हैं। आप फाइंड रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सोनू कुमार तो डाल दिए हैं लेकिन आपको रोल कोड और रोल नंबर नहीं पता है, तो आपको यहाँ पे फादर नेम मिलाना होगा। फादर नेम पता होना चाहिए उस व्यक्ति के, तो महेश प्रसाद नाम है उसका, सोनू कुमार का पिता का। तो महेश प्रसाद यहाँ पे नहीं है इसमें, तो चलिए दो टिक मारते हैं। अब आपको यहाँ पे मिलाना होगा फादर नेम महेश प्रसाद, महेश प्रसाद, महेश प्रसाद, कमल राय, राम यादव, दयाल राम, कमलेश शर्मा, रमेश सिंह। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में दिया है 40 नंबर पे महेश प्रसाद, सोनू कुमार, महेश प्रसाद फादर नेम। इस पे आपको गेट पे क्लिक कर देना होगा, गेट नाउ। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसका खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल कोड और रोल नंबर मुझे पता होगा सिर्फ नाम के जरिए। तो देख सकते हैं कितना आसान है बिना रोल कोड और बिना रोल नंबर के सिर्फ नाम के जरिए फादर नेम अगर पता हो तो रिजल्ट खोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति का। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2018 का कैसे रिजल्ट चेक करेंगे। एक वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, उस वेबसाइट के जरिए ही आप लॉगिन होकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और सब वेबसाइट से आप सर्च कीजिएगा तो उससे नहीं हो, लेकिन एक मैं खास वेबसाइट आपके लिए बताऊंगा उसके जरिए डायरेक्ट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल हेल्प ऑन यूट्यूब।